हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल संदीप सुलेखा में। तो दोस्तों, दीपावली की जोरदार तैयारी चल रही है हमारे घर पर, तो दिखाएंगे आपको हैप्पी दीपावली इन एडवांस में। तो देखते हैं सुलेखा क्या कर रही हैं। ये क्या बना रही हो सुलेखा? जी हम बना रहे हैं आटा के लिए रूम में। अच्छा दोस्तों, आप देख सकते हो ये आटा की लेई बोलते हैं, जिसको अखबार पन्नी चिपकाते हैं अपने कमरे को सजाते हैं। अपने कमरे को सजाने के लिए जो अखबार लगाते हैं वही लेई बना रही हैं। ये देख सकते हो आप। देखिए आप लोग, मेरी मम्मी खोया बना रही हैं। मम्मी को धूप ना लगे इसलिए मैंने चारपाई खड़ी कर दी है। बहुत तेजी में धूप आ रही थी। देखो खोया बना के मिठाई बनाई जे संदीप सुलेखा बने हैं, खा नहीं हो आप सब लोग? अच्छा मिठाई, मम्मी मुझे खोया चाहिए ना, खाओ बनिया तब जाएंगे। दोस्तों हम छोटे थे तब मम्मी खोया बनाओ करती, तो हम आस लगाए बैठ जाओ करते थे, हाँ मिले खोया। तो बचपन की याद आएगी, मम्मी खोया करते हुए तो हम ने मम्मी बहुत दियो खोया बना ले तब दिए तब खाइयो। कह मम्मी मैं ऐसे ही बैठ जाओ करते थे, खोया के मारे बैठी रात थे। बात सही है, आप लोगों ने खवाए आज खोया। मेरी मम्मी ने कह रही आप लोगों को खा जाइयो खोया। कितनी देर में तैयार हो गई? बस सब तैयार ही है, थोड़ी। अरे भैया रबड़ी बन चुकी, रबड़ी नहीं बस यही पे है। आ रही है अपने रूम में, हम भी पीछे पीछे चल रहे हैं इनके। मेरा यार चार्जर रह गया, मैं हेल्प नहीं करूंगा तुम्हारी। हेल्प चाहिए बताओ, तभी पन्नी अखबार से पकवाने। हेल्प तो मांगते हैं तुमसे, सबसे तुमको कहें, तुमको ये बोल देते हो खुद कीजिए अपना काम। ये रहा मेरा रूम, देखो कुछ पन्नी चिपक गई है लेकिन कम पड़ गई थी इसके लिए। देखो इधर उधर ऐसा ही पड़ा हुआ है। तो दोस्तों देख लो, ये हमारा रूम है। जब ये हम रेडी करेंगे, एकदम तैयार करेंगे, तो आप देख लेना। तो बताइए आप लोग, ये सुलेखा ने ये डिजाइन काटी है, ये डिजाइन बनाई है पन्नी की, तो बताइए कैसी लग रही है ये डिजाइन। और मैं ये मार्केट से कुछ लेके आया हूँ अपने रूम को ब्यूटीफुल बनाने के लिए। दोस्तों आप देख सकते हो लेके आए हैं। दोस्तों अब ये भी लगाएंगे अपने रूम में, जब रूम एकदम रेडी हो जाएगा फिर आपको दिखाएंगे। बताना फिर आप कैसा लग रहा है मेरा रूम। तो आप लोग देख सकते हो अभी आधा कम पड़ा हुआ है इसमें अखबार पन्नी लगाने के लिए। तो देख सकते हो आप, ये देखो ये एक छोटा सा मंदिर बनवाया था, तो अभी इसको भी सजाएंगे। ये दोनों एकदम पन्नी की जो डिजाइन है सुलेखा ने जो काटी है वो डिजाइन वही लगाएंगे इसके आसपास। और यहाँ पर देखो माँ की मूर्ति है, ये फिर रख देंगे यहाँ पर। तो बताइए दोस्तों कैसी लगेगी माँ की मूर्ति यहाँ पर? ऐसे में अच्छी नहीं लग रही है माता की मूर्ति, जब ये एकदम बिल्कुल अंदर से भी इसको एकदम अच्छे से सजा देंगे माँ के मंदिर को, फिर रखेंगे, फिर आपको दिखाएंगे वीडियो में। ओके फ्रेंड, एक और रूम हमारा पड़ा हुआ है ऐसा ही, इसमें भी लगाएंगे अखबार पन्नी। ये देखो इसमें तो बिल्कुल तैयारी नहीं हुई है, देख लो अभी ऐसा ही पड़ा है। ये सब सुलेखा की ढील की वजह है, ये कुछ काम धंधा नहीं करती। आप देख सकते हो दिवाली के बस एक दिन रह गया है, एक दिन, हाँ दो दिन है शायद, एक दिन, ऐसी कोई बात नहीं, एक दिन रह गया दिवाली का, और तुमको अभी ये सब पड़ा हुआ है इधर उधर। देखो आज शाम को मैं सारा रेडी कर दूंगी सारा। अच्छा शाम तक रेडी हो जाएगा ये? देखते हैं कितनी जल्दी आप रेडी कर लोगी। बता दें कि हम गांव में सारे लोग इसी तरीके से अपने घर को सजाते हैं, अखबार और पन्नी लाते हैं मार्केट से, उसी से अपने घर को सजाते हैं। देखिए मैं मार्केट से ये अखबार ले आया हूँ, न्यू अखबार है, और जब ये सज के रेडी हो जाएगा तो आप लोगों को ज़रूर दिखाएंगे। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक कि हम कैसे सजाते हैं अपने घर को। क्लिपें कौन सी क्लिपें? ये
निकले पहले की सब मैं देखो पूरे दीवार में दोस्तों करते हैं अपना काम शुरू। तो देख लीजिए हो गया रेडी अखबार पन्नी से देखो ये डिजाइन सुलेखा ने काटी। मैंने कर दिया रेडी, मैंने बोला था मैं शाम तक रेडी कर दूंगी। झूठ मत बोलो, ठीक है मैंने भी किया इसमें। हाँ तुमने तो कलर। ये तो रहा हमारा बाहर वाला रूम और अभी वो दिखाएंगे जोन हम लोगों का रूम है वो भी दिखाएंगे आपको। चलो अपने वाले से तो आ गए हैं अपने रूम के अंदर। देखिए ये रहा मेरा रूम। बहुत ही अच्छा। अच्छा तो देखिए ये मंदिर को कितने अच्छे से कटिंग करके सजा दिया हम लोगों ने, देख लीजिए आप। अब सुलेखा हमारा तुम्हारा यहाँ शॉर्ट वीडियो अच्छा बनेगा। देख लो सुलेखा झूम रही है अपने घर का बैकग्राउंड देखकर। बहुत प्यारा लग रहा है। तो दोस्तों ये जो बैकग्राउंड है ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा दोस्तों। तो कुछ फ्रेंड हमारे कमेंट में बोल रहे थे कि भाई अपना थोड़ा थोड़ा बैकग्राउंड भी चेंज करो, हर वीडियो में एक जैसा ही आता है। तो उसके लिए मैंने दोस्तों ये देख रहे हो ये ग्रीन घास लेके आए हैं। और ये देखो कैसा लगा दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताना ये हमारा बैकग्राउंड आपको कैसा लगा। अब हम लोग यहाँ पर वीडियो बनाएंगे। देखिए जब वीडियो बनाएंगे तो ऐसा ही लगेगा यहाँ पर। तो कमेंट में दोस्तों ज़रूर बताना कि कैसा लग रहा है हमारा ये जो बैकग्राउंड है ये जो। इधर देखो सुलेखा। इन्होंने कितनी मेहनत की है ये तब ये बैकग्राउंड। बता दें कल रात के 2 बजे हम सोए इसी में बिजी बने रहे, 2 बजे तक हम दोनों लोग लगाते रहे अपने रूम को सजाने में। बहुत टाइम लगाया है, रूम भी मेरा रेडी हो गया है। आप लोगों को अगर पसंद हुए तो जरूर कमेंट में बताना कि मेरा रूम कैसा दिखता है। ये जे माँ की मूर्त, मैंने ये मंदिर को भी प्यारे से मंदिर को भी सजा दिया है। ये बड़ी बेटी यश के साथ का ये मेरा फोटो, हम प्रसाद चढ़ाने जा रहे थे तभी तो मैंने ये हमारा और ये भी यश है। और ये रहा मेरा जब शादी नहीं हुई थी तब कक्षा 9 में हम पढ़ते थे तभी का मेरा फोटो है दोस्तों, आप देख सकते हो। मेरा भी दिखा दो यार, मेरा भी दिखा दो। मेरा ये यश है, ये मेरा बड़ा बेटा यश सुलेखा के साथ में, इनकी फोटो रख दो। चलो डांस करके बताओ। नहीं डांस करके बताओ, म्यूजिक के डांस नहीं हो पाता। चलो म्यूजिक बजा दे, चलो चलो बजा शुरू, म्यूजिक शुरू हो गया। नहीं इसमें बड़ा सा म्यूजिक लगाओ ना, कोई बड़ा सा बूफर। चलो सुलेखा कह रही है कि कोई बड़ा सा बूफर लगा दो तब म्यूजिक पे डांस करेंगे। तो दोस्तों हम बहुत ही जल्दी कोशिश करेंगे सुलेखा के लिए बूफर लाने के लिए और फिर उसी बूफर पर इनका डांस दिखाएंगे आपको। वैसे अब तो डांस करने लायक हो गया है रूम। और दोस्तों ऊपर कुछ नहीं लगाया है, आप देख सकते हो ऊपर सिर्फ वाल पेपर्स लगे हुए हैं। देखो वेलकम वाला ये बच्चों का एक, और इधर
सरस्वती माँ का है, विष्णु भगवान का है, ऊपर नहीं, ऊपर ऐसा ही पड़ा है, नीचे ही मैंने चेंज किया है। दिखा दिया अपना रूम, जैसा भी है, जो कुछ भी है यही है दोस्तों। और छोटा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा ये देख लो, ज़्यादा बड़ा नहीं है। ये अलमारी सुलेखा को शादी में मिली थी, इनके पापा ने दी थी दहेज में इनको। नहीं मेरे को नहीं, आपको दी थी ना? नहीं तो आप लेके आए हो ना साथ में। इनके पापा कुछ भी नहीं देते, लेकिन इनको दे दिया, यही काफी है, सारी दौलत तो यही है हमारी। तो दोस्तों दहेज में कुछ नहीं रखा होता है, और पैसा तो लाइफ में बहुत कुछ कमाओगे, बहुत सारा कमाओगे अपनी लाइफ में, लेकिन जीवन साथी अच्छा मिल जाए, हम सफ़र अच्छा मिल जाए, वो कहाँ सबको मिल पाता है। तो मुझे तो मेरे हिसाब से मिल गया है दोस्तों, आप भी अपने हिसाब से चुन लीजिए अगर आपकी शादी नहीं हुई है। मैं तो दुआ करता हूँ सबको अच्छा ही मिले। इनके पापा की जो स्थिति ख़राब थी, तो मैंने उनसे बोला भी नहीं कि मुझे ये दे दो, ये वो दे दो, मैंने उनको दहेज के बारे में बिल्कुल नहीं बोला। क्यों सुलेखा, मैंने कुछ बोला? नहीं, आपने कुछ नहीं बोला। उन्होंने अपनी मर्जी से जैसा कुछ कन्यादान अपना चाहा, उन्होंने अपनी बेटी को दे दिया, और वही मैंने मंजूर कर लिया। इन्होंने तो ये बोल दिया था कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप अपनी बेटी दे दो, तो सब कुछ दे दिया मेरे को। उन्होंने इतनी प्यारी और खूबसूरत अपनी लड़की दे दी, और उन और इससे ज्यादा क्या चाहिए। खूबसूरती के साथ साथ प्यार करने वाली। दोस्तों जैसा मैंने अपने लाइफ में जो जो सपना सोचा था कि वो मेरा सब कुछ मिल गया है, कुछ कोई लाइफ में कोई कमी नहीं है। अमीरी और गरीबी तो वो तो ऊपर वाले के हाथ में होती है, अपना हम सफर अच्छा मिल गया, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए, अब तो ज़िंदगी अच्छे से कट जाएगी। तो आपको हम बता दें, हमने अपनी लाइफ में वो पैसों पर बहुत कम फोकस किया है, दौलत की पीछे बहुत कम किया है दोस्तों, बस अपना काम करते रहिए, जो मिलेगा वो ज़िंदगी में मिल जाएगा आपको, आप अपनी मेहनत करते रहिए, वो तो अपने आप मिल जाएगा दोस्तों। मेहनत ही नहीं करोगे तो क्या कोई बैठे थोड़ी दे जाएगा, बस अपना काम करते रहिए। आपको बता दूँ, इनकी जो बड़ी सिस्टर हैं, हम दोनों भाइयों ने दोनों सगी सिस्टरों से शादी कर ली। इनकी जो बड़ी सिस्टर हैं वो हमारे बड़े भाई के लिए हैं, और ये हमारे लिए हैं, वो तो आप देख ही रहे हो, डेली देख रहे हो वीडियो द्वारा। तो दोस्तों वो भी आई हैं घर पर, वो अभी ऊपर हैं छत पर, अभी दिखाते हैं उनसे, मिलवाते हैं आपको। ओके तो चलते हैं उनके पास, इनकी सिस्टर के पास, यानी एक रिश्ते में तो वो मेरी भाभी है, और एक रिश्ते में सड़वाइन है। आप लोगों को बता दें, हमारे जो भैया भाभी हैं वो घर पर नहीं रहते हैं, मेरी शॉप है उमरेन में, वो वहीं रहते हैं रूम पर। चलो मिलवाते हैं उनसे। ये रही सुलेखा की बड़ी सिस्टर, इनका नाम रेखा है। तो दोस्तों इनके भी बहुत सारे फैंस हैं इंस्टाग्राम पर, 2 लाख फैंस करीब इनके भी हैं, फॉलोअर्स। ये भी वीडियो बनाती हैं, आपने देखा होगा सुलेखा के साथ में बहुत सारी इनकी भी वीडियो हैं। तो ये दीपावली का जो त्यौहार है वो घर पर आई हैं करने के लिए। तो ये एक रिश्ते में मेरी भाभी हैं, और एक रिश्ते में ये सड़वाइन है हमारी। हाँ देख लेना आप लोग, यही है हमारी सिस्टर रेखा दीदी। मैं आपको वीडियो में बताती थी कि हमारी वो सिस्टर है। तो ऐसा करो सुलेखा, अपने आप पर खड़े होकर दिखाओ उनका सारा मतलब। सभी लोग मतलब यही पूछते थे कि सुलेखा आपकी कौन है, तो मैं बोल रही थी कि वो मेरी मतलब सिस्टर भी है और देवरानी भी है। और ये सच है, मैं बड़ी हूँ और ये मुझसे छोटी है सुलेखा। वैसे भी आप बड़े देखते हो, खड़े हो दोनों लोग, वैसे भी आप बड़े हो, लंबाई में भी बड़े हो, छोटे सुलेखा बहुत छोटी है, वो बड़ी है ना, इसलिए वो बड़ी दिखेगी। और दोस्तों हाइट भी इन लोगों की बिल्कुल नॉर्मली है, बिल्कुल ना कोई ज्यादा मोटा है ना कोई पतला है, बिल्कुल साइज एक साइज है। देख लीजिए, मेरा शैतानी बच्चा देखो, ये कोई जैसे घर पर आता है, जो भाभी आई उनके इसने सैंडल पहली तुरंत अवतार दिए डर के वजह से, ये दिखा रहे हैं वीडियो में इसलिए। ये भाभी की गुड़िया, इसका नाम है आरजू। आरजू हाय करो, हाय।
आजू का वीडियो। कैसे हो आप लोग? ठीक हैं सभी लोग? क्या खा रहे हो बता दो। ओ मिठाई खा रहे हो, वो क्या है? दीपावली पर बर्फी बनती है दोस्तों। एक फ्रेंड को खवा दीजिए मिठाई। हाँ मिठाई फ्रेंड को खवा दीजिए। खवा मेरा बेटा दरस, बोलो खवा दे मेरा मिठाई। दरस हैप्पी दिवाली बोलो। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली आप सभी को। सभी को हाँ दरस की तरफ से हो गया आप सभी को। ये देखो बड़ा वाला बेटा, ये बिल्कुल भिखारी लग रहा है। और इसने अपने ऑट पाए की वजह से देखो पैर में चोट मार ली है। इधर उधर भाग के दिखा नहीं रहा शर्म की वजह से। देखो इधर उधर बहुत भाजता है, पूरे दिन बंदर की तरह चलता रहता है इसने। अब अपने आप को दिखा नहीं रहा शर्म की वजह से। और ये मेरी भाभी आ गई है, उन्होंने देखो मिठाई बनाकर तैयार भी कर ली है। क्या है भाभी? बर्फी? लौकी की बर्फी है। लौकी की बर्फी है मिठाई। बर्फी देहात में बोलते हैं, शहर में तो मिठाई बोलते हैं सारे। ये आप लोगों को बुला रही हैं दोनों सिस्टर मिठाई खाने के लिए। दिवाली जो आ रही है मिठाई है मिठाई। हाँ। तो आप लोगों ने देखा होगा इंस्टाग्राम पर एक जो वीडियो वायरल हुई है हम तीनों लोगों के साथ वाली, तो इसी बैकग्राउंड की हुई है। ये यहाँ पर खड़े थे तो शायद वो सॉन्ग है ये रंग है बदले तुम जाने तमन्ना लगती हो कयामत। इसी सॉन्ग पर शायद 70-80 हज़ार लाइक्स हो गए इस वीडियो पर। बहुत अच्छी वायरल हुई है इंस्टाग्राम पर, देख लीजिए। यही नज़ारा था, यही वो बैकग्राउंड है। लेकिन इधर खेत में ये पीछे के बैकग्राउंड में इधर में इसमें आलू रख गए हैं। देखो मशीन ने आलू रख दिए, सीधा सीधा लाइन खींचा हुआ है। आलू की फसल लग गई है इस खेत में। आज सारा डाटा बता दिया दोनों सिस्टर के बारे में। क्यों नहीं बताएंगे? दोस्तों को बताना तो पड़ेगा। तो आशा करते हैं हम लोगों का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज इनकी खाते सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ये हमारी भाभी जी की खाते। ओके फ्रेंड, लोगों को बता दिया। आज देखते हैं इस वीडियो पर कितने व्यूज आते हैं और कितने सब्सक्राइबर मिलते हैं हमको। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।